अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आपको कभी ना कभी जो गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप एक गलत सोच रहे हैं, क्योंकि नतीजे आपके सामने हैं। आप तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, कटअप इतना हाई चला जाता है कि पता ही नहीं चलता इतना ज़्यादा कैसे लोग बना ले रहे हैं। अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा है SSC के खिलाफ, जिसमें से क्वेश्चन लीक के मामले आए हैं। अगर आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे, ABP न्यूज़ में कल भी दिखाया जा रहा था, आज भी दिखाया गया है, दिल्ली में CGO कॉम्प्लेक्स के सामने, जहाँ पे SSC का ऑफिस है, उसके सामने हजारों छात्र वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने एक स्कैम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, जहाँ पे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। और हम सब जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे, अगर वहाँ नहीं जा सकते तो आप सबसे एक नम्र निवेदन है, उन लोगों को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सब के लिए है, जो भी तैयारी कर रहे हैं आप। सिर्फ SSC की बात नहीं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आप हमेशा ये पता चलता होगा कि एग्ज़ाम होने के पहले ही, रिजल्ट आने के तक पता चलता है कि सारे सीट फुल हो चुके हैं, और रिजल्ट बाद में आता है, सिलेक्शन पहले हो जाता है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ चल रही है। तो जिसके खिलाफ़ वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, वे लोग होली भी नहीं मना पाए हैं, 5 दिनों से लगातार वो बैठे हुए, आज 5वां दिन लोगों का है। तो मैंने सोचा कुछ अपने तरफ से जो भी हो पाता आप लोगों को बताता हूँ, इसी तरह से आप भी किसी न किसी रूप में हेल्प कीजिए, उन्हें वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कीजिए, उन्होंने जो वीडियो अपलोड किया उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि हम आपके साथ में, ताकि उन लोगों का हौसला बना रहे, ऐसा नहीं कि कुछ दिन और हो जाए हार मान लें, क्योंकि सबका वहाँ पे यही सवाल है कि हमें CBI जांच चाहिए। अगर ये स्कैम नहीं हुआ है तो प्लीज़ CBI जांच करवाई, उसके बाद ही जो रिजल्ट आएगा हम मानेंगे। हरियाणा में सीमा पर जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पर भी शांति से अपनी ड्यूटी देते हैं। मैं सबसे ये अपील करना चाह रही हूँ, आप देखिए आज कितनी आप गर्ल्स को देखिए, कितनी हमारा प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ढंग से बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे और अच्छे से चलेगा, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म होगा। प्लीज घर पे मत बैठिए, जिन लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको छोड़ के जितने लोग हैं सब आइए। आप कहीं पे भी देखिए बिल्कुल धूम मची हुई है और शांतिपूर्ण ढंग से, और गर्ल्स और बॉयज दोनों प्रोटेक्शन की चिंता मत करिए। ये जो पुलिस है हमें डराने के लिए नहीं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ पे इतने सारे टीचर्स आए हुए हैं, इतने सारे स्टूडेंट, इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, किसी तरह का कोई डर नहीं है। प्लीज आप आइए और हमको ज्वाइन कीजिए। मैं उन सभी भाइयों बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो सोशल साइट के जरिए दिन रात लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। आप लगे रहिए, आप बहुत प्रचार कीजिए, आप लोग बहुत ही प्रचार कीजिए, आप लोगों की सख्त जरूरत है, और शेयर कीजिए इस बात को जितना ज्यादा हो सके, शेयर कीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, और जहाँ भी आप कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे कीजिए, सब जगह फैला दीजिए। इन लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना, भ्रष्टाचार को पीछे चले जाओ, प्लीज मेरे भाई जितने भी हैं जल्दी से जल्दी पहुंचे यहाँ, सभी आपकी माता बहने सब कुछ आ रखे घर बैठ के, कुछ घर बैठ के गर्मी नहीं लगती, ये गर्मी शांति क्या जरूर में बैठा जाता है, मगर ये यहाँ पे आई है, अपना हाथ मांगने आई है, तुम्हें भी आना चाहिए। We want justice.
अगर आपके पास नंबर अपना आप सत्तर रखे
भी पेड़ बच चुका है, कोई दिक्कत नहीं, यही समस्या बेटा, धूप में खेत में।